अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू जेड हाउस होल्ड स्टोर। आज डेमो देने लगे हैं हम लोग। ये आपके लिए डेमो वीडियो है। ये कुकवे क्लीनर हमारे पास आया था। अच्छा जी, इसमें ये इसी तरह से छोटा सा बॉक्स है। अच्छा, ये सील्ड पैक था, हमने इसे सील्ड खोल ली थी। अच्छा, ये इतना ही है, ठीक है। ये देख लीजिए, बिल्कुल फुल नहीं है। और ये इस तरह का ये पेस्ट है, जैसे कि विम वगैरह जो होता है हमारा घर में, हम उसका पेस्ट बनाते हैं, समझें उसी तरह की चीज़ है। इसको हम इसको पहले नल साफ़ करके दिखा देते हैं आपको। ये हमारा काफ़ी पुराना नल है, ठीक है। ज़्यादा तफसीली सफाई तो नहीं होती, रोज़ाना ऐसे ही हाथ मार लिया जाता है। ये देखिए कोने कोने पे इस पर जो है मैल है, तो हम लोग इसको जो है इस तरह से पहले लगा लेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ हमें लगे स्टील वुल ले लें, ठीक है। और फिर इससे आप इसको जो है अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है, इसको सफाई करने में। ऐसे नहीं कि ये फ़ौरन से कोई मैजिक हो और ये साफ़ हो जाए। तो करके देख लेते हैं। इधर लाना उधर मोबाइल, इधर से ज़रा गंदा है, उधर तो साफ है। ये देखो, ये तो सदियों पुराना, ज़ोर से प्रेशर से साफ़ हो रहा है, इतनी आराम से नहीं हो रहा, काफ़ी ज़्यादा जान लग रही है, लेकिन हो रहा है, चमक गया। अच्छा जी, नल तो काफ़ी हद तक जो है चमक गया है, लेकिन ये कि एक दो दफ़ा ही दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इतना मैल था खारे पानी की वजह से, और काफ़ी अरसे से इतनी तफसीली सफाई नहीं होती, तो ये देखें इतना अच्छा साफ़ हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम कुकवेयर, हमारे पास कोई ऐसी पतीली तो नहीं है जो बिल्कुल काली हो। ये तवा है, इस पर ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और ये स्टील वुल ले लें। एक मिनट, मोबाइल को सेट करना पड़ेगा। अच्छा भैया, एक मिनट रगड़ने के बाद काफ़ी प्रेशर से, तो ये कि ये आपकी जो कुकवेयर होगा, मैंने अभी सिर्फ बीच में ये वाला हिस्सा ही साफ़ किया है आपको दिखाने के लिए, अभी इतनी हिम्मत नहीं है ये पूरा रगड़ा जाए। अच्छा, ये वाला साफ इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। ये वैसे तो साफ़ है, लेकिन ये कि चमक नहीं रहा, इसको कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। चलो, ये भी भाई इतनी चमक गई, ठीक है। जैसे आप लोग विम से चमकाते हैं उतनी ही, ये उससे थोड़ी सी कम मेहनत लग जाएगी। अच्छा, अब हम आपको दूसरा नल दिखाते हैं। अच्छा जी, ये हाँ वॉशरूम का है, ठीक है। अब ये देखें, इसमें काफ़ी ये सब जमा हुए हैं। ये जो है ना, खारे पानी की वजह से भी इसको हम क्लीन करेंगे। स्टील वुल से भी कर सकते हैं, और इससे आगे का हिस्सा। टूथब्रश, इसको भी ये कि थोड़ा सा एक मिनट तक रख देंगे। अच्छा, ये जो है एक मिनट तक रगड़ने के बाद हमने इसे धो लिया। बेटा हटो, दूध पीछे हटो। अच्छा, ये देखिए, ये बहुत पुराना है, काफ़ी अरसे से इसमें मेल था, तो इसमें शाइन आ गई है। वैसे जैसे हम सोडा वगैरह से भी साफ़ करते हैं, लेकिन ये कि इतनी शाइन नहीं आती, इतनी शाइन इसमें आ गई है, बिल्कुल नए की तरह।
तो बस ये कि मेहनत तो लगेगी, मैजिक कोई नहीं है। और यहाँ ये भी बहुत जम गया था काफ़ी अरसे से, ये बिल्कुल चमक गई जगह। ठीक है, चलो ओके।